हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेटा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए यूपी पुलिस 49,500 अरफट वाली भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ और खुशखबरी लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस 49,500 अरफट के कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 49,500 अरफट वाली भर्ती का रिजल्ट अगले 48 घंटे में देखने को मिल जाएगा। फाइनल कट ऑफ बस इतनी ही रहने वाली है, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, दोस्तों चैनल को जरूर इस बेल आइकन की घंटी को आपको दबाना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से 20,000 तक का इनाम यहाँ पर जीत सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस लाल कलर वाले बटन को दबाना है और वीडियो को लाइक करना है, जिससे हमारे चैनल पर आपका नाम सबसे पहले ऊपर आए। और इस वीडियो को शेयर करना है और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको जवाब आपको देना है। इतना काम जरूर करना है जिससे आप विजेता बन सकें हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान कहाँ मिलता है? ये चार ऑप्शन हैं, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़, अहमदाबाद। इन चार ऑप्शन में से आपको जवाब देना है और वीडियो को लाइक करके सबसे पहले आपका नाम ऊपर आएगा, वो भी आपको लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हमको भी पता चल सके कि ये अभ्यर्थी यहाँ पर फर्स्ट यानी कि सबसे ऊपर आ रहे हैं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,500 अरफट वाली भर्ती प्रक्रिया के अंदर। काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट हमारा कब तक जारी कर दिया जाएगा दोस्तों, ऐसा सुनने में दोस्तों आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस 49,500 अरफट वाली भर्ती प्रक्रिया 95% कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। 95% की यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ, 5% दोस्तों भर्ती प्रक्रिया बस रह गई है, उससे ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 49,500 अरफट वाली भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो अभ्यर्थी रेस कंप्लीट कर लिया, जिन अभ्यर्थियों ने, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिन्होंने रेस को कंप्लीट कर लिया है, वो बिल्कुल ऑलरेडी सेफ जोन में हैं। और इस 49,500 अरफट वाली भर्ती प्रक्रिया में सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अभ्यर्थियों का डीबी पीएसटी भी कंप्लीट हो चुकी है, अब पेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी बकाया अब नहीं रह गया है। कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं है, ना ही फिंगरप्रिंट मिसमैच वाले अभ्यर्थी हैं, ना कोई एब्सेंट वाला है, ना कोई प्रेजेंट वाला, कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर अब ऐसा नहीं बचा है जिसका 49,500 अरफट में कुछ भी कराया जाए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों, इस बार आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। सबसे ज़्यादा कट ऑफ को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में सवाल है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो कट ऑफ रहेगी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है इस 49,500 अरफट वाली भर्ती प्रक्रिया के अंदर। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जितने भी यहाँ पर होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या हमें सिविल मिल सकती है पीएसी, आप बिल्कुल टेंशन ना रहें, आपको सिविल ही मिलेगी। होमगार्ड एयर सर्विसमैन जितने भी हैं, बस आपके अगर 60 नंबर प्लस यहां पर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल यहां पर ऑलरेडी सेफ जोन में हैं, आपको कोई भी यहां पर बाहर नहीं कर सकता। और बस आप मेडिकल के लिए यहां पर तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका मेडिकल बहुत जल्द ही भर्ती बोर्ड की तरफ से कराया जाएगा। और एक्स सर्विसमैन फाइटरमैन जितने भी हैं वो बिल्कुल सेफ अभी जोन में हैं, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में, कि जितने भी जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो सभी बिल्कुल सेफ हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो। क्योंकि मैं बता दूँ, फीमेल अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है कि हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्या फर्स्ट मेरिट वाले सेफ हैं या सेकंड मेरिट वाले फेफ है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो फर्स्ट मेरिट की यहाँ पर बात की जाए, वो तो बिल्कुल सेफ ही हैं, क्योंकि 10,000 कैंडिडेट में से अब तक जो रनिंग में क्वालिफाई हो पाए हैं वो 5,500 के करीब कैंडिडेट हैं फर्स्ट और सेकंड
दोनों मेरिट को मिला करके, क्योंकि पहली मेरिट के अंदर 10,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे, पहली मेरिट में 15,000, उसमें से 10,000 के करीब DPFT में, उसके बाद रनिंग में पास हुए थे, और 2100 कैंडिडेट में से करीब 100-150 महिलाएँ पास हुई थी। तो उनकी सीट अभी भी यहाँ पर वैकेंसी जो है वो खाली हैं, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी मेरिट यहाँ पर है बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज होगी, जो मेरिट है वो बिल्कुल डिक्रीज ही रहेगी और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने, क्योंकि अभी भी 500 से 600 के करीब सीट अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। तो भर्ती बोर्ड चाहेगा अगर ये मेडिकल होने के बाद शायद आपका थर्ड लिस्ट भी यहाँ पर लगा दी जाए, अगर यहाँ पर चाहे तो भर्ती बोर्ड की मर्ज़ी है थर्ड लिस्ट लगा दे, नहीं तो भर्ती बोर्ड थर्ड लिस्ट भी यहाँ पर जारी नहीं करेगा फीमेल कैंडिडेट की। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों 1,23,921 कैंडिडेट को यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने DB and PFT में पास किया था। उसके बाद जो कैंडिडेट थे वो काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में अपसेंट पाए गए थे, करीब करीब 30,000 से ज़्यादा ही स्टूडेंट यहाँ पर अपसेंट पाए गए। तो आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे DB PFT प्रक्रिया के अंदर वो करीब 62,000 के करीब कैंडिडेट थे, 62,300 कुछ के करीब यहाँ पर DB PFT प्रक्रिया के अंदर क्वालिफाई हुए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट अब यहाँ पर बचे हुए हैं, अपसेंट की संख्या ये रही थी 30,591, और यहाँ पर देख सकते हैं 611 पास जो कैंडिडेट यहाँ पर हुए थे 550। और जो कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अब की बार जो फिजिकल में बच्चे पास हुए थे वो करीब 80% के समथिंग यहाँ पर कैंडिडेट पास हुए थे, 15% मान सकते हैं कि फिजिकल में फेल होंगे, 5% मान सकते हैं कि अपसेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों अब की बार का जो रेशियो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है पास का पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि 41,520 वाली जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें अभ्यर्थियों को समय नहीं दिया गया था, इस वजह से अभ्यर्थी वहाँ पर फेल हो गए थे। अब की बार समय भी दिया गया था और अभ्यर्थी रनिंग को पहले से ही कंप्लीट कर चुके थे। तो अब तक जो मिलाकर के कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि टोटल मेल हैं वो 50,132 + 400। तो अब तक जो कैंडिडेट पास हुए हैं दोस्तों 50,572 के करीब कैंडिडेट यहाँ पर टोटल पास हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरिट है अब दोस्तों वो आपकी इस बार ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी 43,000 हैं, और जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं वो करीब 6,000-7,000 के करीब यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों जो मेरिट रहेगी वो आपकी इस प्रकार रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मेरिट देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की जो मेरिट रहने वाली है वो 186 नंबर पर रहेगी विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, OBC की 174, SC की 147 और ST की 116। फ्रीडम फाइटर की बात किया है 60+ नंबर होने चाहिए, बस ओनली एक नंबर भी हो चाहे .50 भी हो चाहे .20 तो भी उनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का श्योर है। अब दोस्तों रिजल्ट की बात कर लेते हैं, रिजल्ट कब तक, तो दोस्तों रिजल्ट की संभावना पूरी पूरी है, आज लास्ट सप्ताह दोस्तों आज बीतने वाला है, और रिजल्ट जो है वो आपको 48 घंटे के अंदर देखने को पक्का श्योर मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ने भर्ती बोर्ड की तरफ से एक न्यूज़पेपर में कहा गया था कि रिजल्ट फरवरी के पहले सप्ताह नहीं तो फरवरी के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कभी भी जारी किया जा सकता है 48 घंटे में कभी भी। तो दोस्तों हम आशा ज़रूर करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे जिससे आप इनाम जीत सकें। और उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 वाली भर्ती की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, कोई भी न्यूज आती है, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से पल पल की न्यूज दी जाएगी, एजुकेशनल वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएंगे, तैयारी कराई जाएंगी, NTPC रेलवे ग्रुप डी सभी की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से एकदम 100% सत्य एवं सटीक जानकारी वो भी विद प्रूफ के साथ ऑथेंटिक ही दी जाएगी। यहाँ पर कभी भी किसी भी सब्सक्राइब को गुमराह नहीं किया जाएगा, ना ही किया है, ना ही अभी कभी स्टडी अप बेटम चैनल आपको गुमराह करेगा। जो भी क्वेश्चन होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मन में कोई भी सवाल हो एनी क्वेश्चन आपको 100% रिप्ले ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।